Hi everyone, this is part 2 of lesson 1 of Tamil Nadu class 12 Modern India, and this chapter deals with Warren Hastings, who was there in India from 1772 to 1785. And main thank you bolna chahungi Rashid ko jinhone pehle part mein acche comment likhe hain, jisse kafi khushi mili mujhe, because when someone recognizes your effort it really feels good. So chaliye aage badhte hain, padhai shuru karte hain. ओके तो एक रिफॉर्म बच गया था पिछले वीडियो में. मैंने बोला था आपको कि रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होगा, लेकिन एक रिफॉर्म छूट गया था, दैट इज ट्रेड रेगुलेशंस एंड अदर रिफॉर्म्स. तो इसमें चार चीजें लाई थी वारेन हेस्टिंग्स ने. एक था कि उन्होंने दस्तक को एबॉलिश किया था, ठीक है, जो फ्री पासिस मिलते थे ऑफिशियल्स को वो उन्होंने एबॉलिश किया. फिर उन्होंने कस्टम टैरिफ को यूनिफॉर्म किया, 2.5% किया फॉर इंडियन एंड नॉन इंडियन गुड्स, ठीक है. फिर वो प्रीपेड पोस्टेज सिस्टम लाए, ठीक है, जो यूनिफॉर्म था. और एक्चुअली देखो, जब भी मैं ये यूनिफॉर्म वाला चीज ये इतना हाईलाइटेड, व्हाई, क्यों है ये, क्योंकि इसके पहले बहुत ही आर्बिट्री तरीके से कंपनी कलेक्शंस करती थी, विच वाज नॉट गुड फॉर लाइक द पीपल, द कॉमन पीपल हियर, दे वर हैरेस्ड. तो ये जो यूनिफॉर्मिटी लाई गई, इट काइंड ऑफ यू नो ब्रॉट एन इवन फील्ड टू एवरीवन देयर, द ब्रिटिश सर्वेंट्स एंड द इंडियन पीपल. ओके, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है. और एक बैंक शुरू किया गया कैलकटा में. तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं. क्या क्या? यूनिफॉर्म कस्टम टैरिफ लाया गया 2.5% का बोथ इंडियन एंड नॉन इंडियन गुड्स के लिए. यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया प्रीपेड पोस्टेज सिस्टम का. दस्तक को एबॉलिश किया गया, जो फ्री पासिस थे. और बैंक स्टार्ट किया गया कैलकटा में. ओके, ठीक है. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विथ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. तो थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं पहले क्या था. तो इंग्लैंड में क्या था ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ प्रोपेटर्स होते थे, ठीक है, जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वॉज इलेक्टेड एनुअली फॉर मैनेजिंग कंपनी अफेयर्स, ठीक है. सो वॉट हैपेंड, वॉट इन्वाइटेड पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन. सो देर वर थ्री फैक्टर्स, तीन फैक्टर्स थे. एक तो करप्ट एंड नोटोरियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी. सेकेंड वॉज बंगाल फेमीन 1770, जिसके इम्पैक्ट्स एक्चुअली और ज्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि कंपनी ने इतना बुरे तरीके से हरास किया था यहाँ के लोगों को, इतना प्रेशर बढ़ा दिया था कि फेमीन का जो असर जितना होना चाहिए था उससे भी ज्यादा हुआ था, और काफी डेथ्स हुए थे, काफी आई थिंक इन लैक्स. सो और आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नंबर, बट इट वॉज ह्यूज. थर्ड फैक्टर वॉज बैंक्रप्सी ऑफ कंपनी इन 1773, और कंपनी ने गवर्नमेंट को अप्रोच किया था फॉर अ लोन. तो गवर्नमेंट को लगा बस बहुत हो गया, अब देखना पड़ेगा कंपनी में चल क्या रहा है, ठीक है. तो जो वहां पे प्राइम मिनिस्टर थे तभी इंग्लैंड के, लॉर्ड नॉर्थ, उन्होंने एक सेलेक्ट कमेटी बनाई ये देखने के लिए कि कंपनी अफेयर्स में हो क्या रहा है, ये इंक्वायर करने के लिए, ठीक है. और फिर इस कमेटी के रिकमेंडेशन पर ही रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को लाया गया. तो मेन प्रोविजंस क्या थे इस एक्ट के? पहला प्रोविजन जो था, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑलरेडी थे, आपको मैंने पहले ही बताया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे और कोर्ट ऑफ प्रोपेटर्स थे. तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का टर्म 1 ईयर से 4 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया. उससे क्या हुआ कि हर साल 1/4 रिटायर होते, बट दे वर नॉट रीअपॉइंटेड, ठीक है. फिर जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम बनाया गया, और उनके टर्म को 5 ईयर्स कर दिया गया, ठीक है. जो गवर्नर जनरल काउंसिल थे उनके मेंबर्स, 4 मेंबर्स का काउंसिल बनाया गया, जिसमें गवर्नर जनरल हैड अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ अ टाई, ओके. और ये जो काउंसिल होती, दिस वुड बी सुप्रीम ओवर द अदर प्रेसिडेंसीज, बॉम्बे एंड मद्रास, इन मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस. तो आप देख सकते हैं कि इस एक्ट के साथ ही जो बंगाल का पावर्स है उसको बढ़ाना शुरू किया गया था, ठीक है, ओके. और सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश करने का प्रपोजल डाला गया था, विच गॉट एस्टैब्लिश्ड एट कैलकटा in 1774, and it consisted of a chief justice and 3 junior judges, ठीक है. और जो last aspect is कि आपने देखा होगा कि हमने बोला था कि corruption था काफी ज्यादा company में, तो उसको prevent करने के लिए the act prevented company servants from receiving gifts or any kind of bribery. The company servants were prevented from doing that, which was really required at that time, बहुत जरूरत थी उस समय, ठीक है. ओके, लेट्स प्रोसीड. तो मेरिट्स क्या क्या थे इस एक्ट के? पहला मेरिट तो यही कि जो कंपनी की आर्बिट्री रूल चल रही थी, जो मनमर्जी ये लोग चला रहे थे, वो खत्म हो गई, क्योंकि अभी इनके पास एक प्रोविजंस आ गए, रूल्स आ गए. अब खुद वहां से होता है ना, प्राइम मिनिस्टर
इन्वॉल्व हो गए हैं तो ऑब्वियसली दे वुड हैव अ प्रेशर कि आपको एक तरीके से फंक्शन करना होगा. तो सबसे बड़ा मेरिट तो यही है. मेन डिफेक्ट जो इस बुक में लिखा हुआ है, आई वुड मेंशन वेरी क्लियरली, जो इस बुक में लिखा हुआ है कि गवर्नर जनरल वॉज मेड पावरलेस और काउंसिल को सुप्रीम कर दिया गया था. और इसी वजह से क्या होते थे कि डेडलॉक्स होते थे दोनों के डिसीजन में, और ये लोग गवर्नर जनरल के डिसीजन को ओवर रूल कर देते थे क्योंकि ऑब्वियसली वो चार थे, है ना. तो इसीलिए ये एक प्रॉब्लम बताया गया है इस किताब में. और इन्होंने कहा है कि इस चीज को रेक्टिफाई किया गया था पिट्स इंडियाज एक्ट ऑफ 1784 में. अब मैं एक पॉइंट बस यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ, वॉज की स्पेक्ट्रम में मैंने पढ़ा था कि जब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आई थी तो एक प्रॉब्लम और उभर कर आई थी इससे कि इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट भी बनाया था और गवर्नर जनरल काउंसिल को भी सुप्रीम कर दिया था. तो उसके वजह से उन दोनों में डिसीजन का डेडलॉक बहुत होता था, दोनों में पावर डेडलॉक बहुत होता था कि मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ. तो उसको ठीक करने के लिए अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 लाया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को क्लियरली बोला गया कि आपकी औकात कम है. ठीक है, तो उनका डिमार्केशन कर दिया गया कि आपके पावर्स सिर्फ कैलकटा के लिए लिमिटेड हैं. तो उसके बाद जो है वो क्लैशेस जो सुप्रीम कोर्ट और काउंसिल में था वो कम हो गया था. ओके, सो दिस वाज वन इन्फो आई वांटेड टू टेल यू. ओके, अभी अभी तक हम लोगों ने देखा कि वैन एंड हेस्टिंग्स काफी भले इन संघ की तरह रिफॉर्म्स वगैरह ला रहे थे, लेकिन अब हम लोगों को पता चलेगा उनका बुरा साइड, जिसमें हम देखेंगे कि वो कैसे एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी फॉलो करते थे. और उसमें सबसे पहला केस आता है जिसके लिए वैन एंड हेस्टिंग्स को काफी क्रिटिसिज्म भी मिला था, वॉज द रोहिल्ला वॉर 1774 में. इसमें क्या हुआ था, इसकी कहानी ऐसी है कि जो रोहिलखंड के रूलर थे हाफिज अहमद खान, उन्होंने एक डिफेंसिव ट्रीटी की थी नवाब ऑफ अवध के साथ, सुजाउद्दौला. ठीक है, उनको डर था कि मराठा उनपे अटैक करेंगे, तो उसी के लिए उन्होंने डिफेंसिव ट्रीटी की थी इन 1772, जिसके लिए उनको पैसे देने थे नवाब ऑफ अवध को, लेकिन वो अटैक हुआ नहीं. तो उसके बाद जो हाफिज रहमत खान है उन्होंने बोला कि मैं पैसे नहीं दूंगा. तो उसके बाद जो सुजाउद्दौला थे उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने ब्रिटिश के साथ मिलकर रोहिलखंड पे अटैक कर दिया. ठीक है, और इस ऑब्वियसली ये जो ब्रिटिश के साथ मिलकर उन्होंने अटैक किया था, ये ट्रूप्स भेजने वाले और कोई नहीं, वैन एंड हेस्टिंग्स खुद थे, और इसीलिए उनको बहुत सीवियरली क्रिटिसाइज किया गया था दैट ही शुड नॉट हैव बीन इन्वॉल्वड इन दिस. ठीक है, तो ये एक काफी क्रिटिसाइज्ड काम किया था वैन एंड हेस्टिंग्स ने. उसके बाद जो आता है वो आता है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, जो 1775 से लेकर 1782 तक चली थी. इसके लिए हम देखते हैं कि कैसे कैसे कहानी आगे बढ़ती है. इसमें सबसे पहली चीज ये है कि मराठास में ना बहुत डिसयूनिटी हो गई थी सिंस द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761. ठीक है, तो 1775 में क्या हो रहा था कि जो माधव राव थे और उनके अंकल थे रघुनाथ राव, इन दोनों में झगड़ा चल रहा था फॉर द पोस्ट ऑफ पेशवा. तो क्या हुआ कि जो वहां के ब्रिटिश अथॉरिटीज थे उन्होंने सोचा कि चलो इसका फायदा उठाया जाए. तो ब्रिटिश अथॉरिटीज इन बॉम्बे साइंड अ ट्रीटी ऑफ सूरत विथ रघुनाथ राव. उन्होंने एक ट्रीटी साइन किया रघुनाथ राव के साथ, जो उनके अंकल थे माधव राव के, उनके साथ एक ट्रीटी साइन किया. और रघुनाथ राव ने ब्रिटिश अथॉरिटीज को बोला कि ठीक है, आप मुझे पेशवा बना दो, मैं आपको बेसैन और सेलसेट दे दूंगा. ठीक है, वो ट्रीटी ऑफ सूरत के हिसाब से ये दोनों में डिसाइड हुआ. एक तरीके की जो डील बोलते हैं हम लोग, वही इनकी ट्रीटी होती थी. ठीक है, तो ये डील उन्होंने अपने में किया, लेकिन बाद में रघुनाथ राव ने फुलफिल नहीं किया इस चीज को. तो फिर ये जो ब्रिटिश अथॉरिटीज थे इन्होंने कैप्चर कर लिया. ठीक है, तो अभी 1776 में अभी वैरन हेस्टिंग्स को ये चीज पसंद नहीं आई, ये जो ब्रिटिश अथॉरिटीज ने किया. तो वैरन हेस्टिंग्स ने क्या किया 1776 में, उन्होंने कर्नल उपटन को भेजा सेटल करने के लिए इशू को. ठीक है, और वहां पे क्या हुआ, उन्होंने ट्रीटी ऑफ सूरत को कैंसिल कर दिया और उन लोगों ने खुद की अपनी एक ट्रीटी बनाई, ट्रीटी ऑफ पुरंदर. किसके साथ? नाना फडणवीस के साथ. मतलब आप देख रहे हो इतनी डिसयूनिटी यहाँ पे, और ये लोग जानते थे कि यहाँ पे बहुत लोगों के एस्पिरेशंस हैं, तो ये लोग बस उसका फायदा उठाना चाहते थे. ठीक है, तो इन्होंने ये लोग गए और इन्होंने ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन किया विथ नाना फडणवीस. ठीक है, तो दो ट्रीटीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक है ट्रीटी ऑफ सूरत और एक है ट्रीटी ऑफ पुरंदर. ट्रीटी ऑफ सूरत किसने साइन किया था? रघुनाथ राव और ब्रिटिश अथॉरिटीज इन बॉम्बे ने, जिसके तहत रघुनाथ राव ब्रिटिश को बेसन और सैलसेट देने वाला था, लेकिन दिया नहीं, बाद में मुकर गया. ठीक है, और ये कब साइन हुई थी? 1775 में. और ट्रीटी ऑफ पुरंदर कब साइन हुई? 1776 में. किनके बीच?
नाना फडणवीस और ब्रिटिश के बीच, ठीक है? तो ये चीजें आपको थोड़ा याद रहना चाहिए। ओके, अभी ट्रीटी ऑफ पुरंदर के हिसाब से क्या होने वाला था, उसमें ये था कि नए जो पेशवा होंगे वो होंगे माधव राव टू, ठीक है, और ब्रिटिश जो है वो सैलसेट को रख लेगी, ठीक है, और अलोंग विद अ हेवी वार इंडेमनिटी। मतलब देखना, ब्रिटिश का एक हमेशा फंडा होता है, उन्हें सब कुछ चाहिए, उन्हें चाहिए कि जो उन्हें चाहिए था वो तो उन्हें मिले ही, प्लस उन्होंने जो झगड़े किए उसे पाने के लिए, उसका पैसा भी तुम ही दो मुझे, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी इन्होंने किया था कि सैलसेट तो भैया तुम्हें देना ही है मुझे, प्लस हमारा जो ये वॉर हुआ इसका पैसा भी तुम दोगे मुझे, ठीक है, इसमें जो हमारे खर्चे हुए वो तुम दो मुझे। तो वो हैवी वॉर इंडेमनिटी इन्होंने लगाया, और इसके वजह से जो ब्रिटिश ब्रिटेन में इस चीज को रिजेक्ट किया गया, वहां जो होम अथॉरिटीज बैठे थे उन्होंने इस ट्रीटी को रिजेक्ट किया था कि नहीं, ये ट्रीटी सही नहीं है, हम नहीं मानेंगे इसको, ठीक है। फिर 1781 में वैरन हेस्टिंग्स ने ब्रिटिश ट्रूप्स डिस्पैच किए थे अंडर कैप्टन पॉपहम। अभी आपको याद होगा जब ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुई थी तो कौन गया था, कैप्टन, क्या नाम था उनका, उल्टन समथिंग, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली अभी नाम नहीं याद आ रहा। तो वैरन हेस्टिंग्स डिस्पैच ब्रिटिश ट्रूप्स अंडर कैप्टन पॉपहम, ये सब टर्म्स थोड़ा दो तीन बार देख लो, देखो मुझे ये भी याद नहीं आ रहा, जबकि मैंने भी तुरंत बोला है, सो दीज नीड्स टू बी लाइक सीन 2 to 3 times, तभी याद होता है, मुझे भी देखना पड़ेगा एक बार और खुद ही अपना ही वीडियो, ओके। और उन्होंने जाकर मराठा चीफ को हराया था महादाजी सिंधिया, और फिर उन्होंने ग्वालियर को कैप्चर किया था। मतलब आप देख रहे हो ये वॉर अभी चल ही रहा है, मतलब ये खत्म नहीं हुआ था, इनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही थी, इन्हें लग रहा था नहीं नहीं और कुछ करना है, और कुछ करना है, इतने में खत्म नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही चीजें चल रही थी 1781 में। इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ट्रूप्स भेजे अंडर कैप्टन पॉपहम, मराठा चीफ महादाजी सिंधिया को हराया, ग्वालियर को कैप्चर कर लिया, ठीक है। फिर मई 1782 में ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन हुई, ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, और ये ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन हुई, ऑब्वियसली वो वॉर हार गए ना महादाजी सिंधिया, तो देखो जब भी वॉर वॉर वगैरह होता है अंत में एक ट्रीटी साइन होती है, ठीक है, जो हारता है उस बेचारे को बस सारे पेनल्टीज भरने पड़ते हैं, सारे दुख उसको मिलते हैं उस ट्रीटी में, तो यही होता है, ठीक है। तो ये मई 1782 में ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई वैरन हेस्टिंग्स और महादाजी सिंधिया के बीच में, जिसमें सैलसेट और बेसिन ब्रिटिश को मिल ही गया, खुश रहो। फिर आपको रघुनाथ राव को भगा दिया गया पेंशन देके, और माधव राव टू को पेशवा बना दिया, बहुत प्यार था इन लोगों को माधव राव टू से, बाप रे, हर ट्रीटी ऑफ पुरंदर में भी इन्हें माधव राव टू ही चाहिए था एज पेशवा, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ सालबाई का भी लास्ट में ये हुआ कि माधव राव टू ही रहेंगे पेशवा, ठीक है। अभी ये जो ट्रीटी ऑफ सालबाई थी इसने कम से कम 20 साल का शांति दिया था ब्रिटिश और मराठास में, कि और कोई लड़ाई नहीं 20 साल तक, थक गए ये लोग भी 7 साल तक लड़ते लड़ते 1775 से 1782 तक। उसके बाद मराठास ने हेल्प भी किया था ब्रिटिश को टू एग्जर्ट प्रेशर ऑन मैसूर, मैसूर पे प्रेशर डालने के लिए इन रिकवरिंग देयर टेरिटरीज फ्रॉम हैदर अली। अभी हैदर अली वॉज रियली ब्रेव पर्सन, आप देखोगे उनकी स्टोरी आगे, तो ये प्रेशर में भी हेल्प किया था मराठास ने ब्रिटिश को, आई डोंट नो व्हाई बट किया था, और यही आई डोंट नो व्हाई में ही तो सारे आंसर्स हैं। अगर ये हेल्प किया ही नहीं होता इंडियन रूलर्स ने ब्रिटिश को, तो ऑब्वियसली ब्रिटिश तो इतनी फैल पाती नहीं जितनी फैल गई ना, तो वही हुआ, ये लोग ऐसे ही करते थे, टूट करो फूट बनाओ और फिर तोड़ो सबको, फिर जीतो उनको, फिर उन्हीं को यूज करो दूसरों को तोड़ने के लिए, तो यही काम हो रहा था, ठीक है। तो यही चीजें हुई, आगे बढ़ते हैं। ओके, फिर आया सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से 1784। आप देख रहे हो कितनी ताकत थी इन लोगों में, हर हमेशा झगड़े कर रहे, बस मतलब वॉर पे वॉर चली जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 1767 से 1769 के बीच में, और इसमें हैदर अली विक्टोरियस हुए थे अगेंस्ट द ब्रिटिश। अभी तक आपने जितनी भी देखी होगी बहुत रेयरली कोई कोई है जिसने ब्रिटिश को हरा रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे वॉर्स हैं, मैं बोल रही हूँ कि जो मेन मेन चीजें हम जो पढ़ते हैं उसमें बहुत कम ही ऐसे यू नो वॉर्स होंगे, बैटल्स होंगे जिसमें अपोजिट साइड ब्रिटिश नहीं कोई और जीता है, और इसमें एक है ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जिसमें हैदर अली जीते थे, ठीक है। और फिर भी उसके बाद भी सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ 1784 में, और इसके मेन कॉजेस क्या थे, वो ये था कि
ये वाला जो कॉजेज है ना, ये मैंने एकदम जो लिखा हुआ था बुक में, मैंने पूरा यहाँ पे लिखा है, क्योंकि इसमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जिसको शॉर्ट करके बताया जा सके, यू नो दिस. एंड दिस कॉजेज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन एंड यू कैन रियली गेट कंफ्यूज इन दिस. क्योंकि सच बात मैं सच बता रही हूँ, नहीं याद रहता है एग्जाम में, तो और याद नहीं आएगा. ठीक है, नहीं याद रहती यार इतनी चीजें, इतने कॉजेज वगैरह नहीं याद रहते, इसलिए थोड़ा पढ़ लो तो क्लिक कर जाता है एग्जाम में. तो ब्रिटिश के ये जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के पीछे क्या कॉजेस थे, वो ये था कि ब्रिटिश फेल्ड टू फुलफिल द डिफेंसिव ट्रीटी टर्म्स व्हेन हैदर वाज अटैक्ड बाय द मराठाज इन 1771. मतलब क्या हुआ था, देखो जब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था ना, मैंने क्या बोला, हर वॉर के बाद ये लोग एक ट्रीटी साइन करते थे. ठीक है, मतलब वॉर अंत ही उसी से होता था कि चलो यार अब झगड़ा खत्म करते, ट्रीटी साइन करते, कि हाँ तुम्हारा ये इच्छा है ये ले लो, तुम्हारी वो इच्छा ये ले लो, दोनों जिसमें ये करे तो चलो कुछ बीच का एक होता ना कॉम्प्रोमाइज करेंगे. तो वही ट्रीटी से खत्म होती थी वॉर्स. तो इन लोगों ने जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था जिसमें हैदर अली जीते थे, उस समय भी एक डिफेंसिव ट्रीटी साइन की थी शांति के लिए एक दूसरे में. तो ब्रिटिश वो फुलफिल करना फेल कर गए वहां पे, जब हैदर अली को मराठास ने अटैक किया 1771 में. तो ये एक कॉज था जिसकी वजह से हैदर अली गुस्सा थे. दूसरा कॉज था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें ब्रिटिश और फ्रेंच में झिशुम झिशुम चल रहा था, और फ्रेंच वॉज एन अलाई ऑफ हैदर अली, तो इसके वजह से भी काफी नाखुश थे ब्रिटिश हैदर अली से कि क्यों दोस्ती करते हो हमारे दुश्मनों के साथ, नहीं पसंद हमें. तो ये चीज भी था एक रीजन. और थर्ड था कि ब्रिटिश ने माहे को कैप्चर कर लिया था, जो एक फ्रेंच सेटलमेंट थी, और होता है ना फ्रेंच वाले तो दोस्त थे हैदर अली के, तो बस उन्हें दुख हो गया, क्यों किया मेरे दोस्तों के पे अटैक. ठीक है, और एक चौथा जो रीजन था कि हैदर अली ने उसके बाद जब हैदर अली को भी, हैदर अली भड़क गए, तो उन्होंने सोचा रुको मैं भी तुम्हें मिल के एकदम ठोकता हूँ अभी. तो उसने क्या किया, एक अलायंस बनाया उन्होंने निजाम ऑफ हैदराबाद और मराठास के साथ अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1779. तो इससे भी ब्रिटिश वाले भड़क गए कि अच्छा बेटा तुम हमारे खिलाफ अलायंस बनाओगे, चलो फिर. तो ये ही सारी चार रीजंस थे, ठीक है, जिसके वजह से सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ. इतना माहौल गर्म हो चुका था कि वॉर तो होना ही था. ठीक है, प्यार तो नहीं हो सकता था, तो प्यार तो होना ही था, नहीं हुआ, लेकिन वॉर तो होना ही था. ठीक है, चलो आगे बढ़ते. ओके, अभी इसके बाद शुरू हुई जंग, और इसमें हम लोग क्या क्या चीजें हुई वो देख लेते हैं. 1780 में फिर से हैदर अली, द ब्रेव हैदर अली, आई रियली लव हिम, हैदर अली डिफीटेड कर्नल बेली, आई मीन कैसा सा नाम है यार, हैदर अली डिफीटेड कर्नल बेली, आई डोंट नो, आप स्पेलिंग देख लो, एंड कैप्चर्ड आरकोट इन 1780. ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश को एक बात तो समझ में आ गई कि यार ये सबसे दोस्ती करके रखेगा तो मुझे पंगे होने वाले. तो ब्रिटिश ने चली चाल, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पीस कर लिया निजाम के साथ और सिंधिया के साथ, और भोसले से दोस्ती कर ली. मतलब क्या किया, दोनों मराठास को पटा लिया और निजाम ऑफ हैदराबाद को भी पटा लिया. तो अब तुम तो रह गए अकेले हैदर अली, बस हैदर अली को अकेले कर दिया और उसके बाद हरा दिया ऑब्वियसली 1781 में. तो हैदर अली वॉज डिफीटेड बाय सर आयर कूटे एट पोर्टो नोवो इन मार्च 1781. ऑल द टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हियर, सर आयर कूटे एट पोर्टो नोवो इन मार्च 1781. ठीक है, और दिसंबर 1782 में हैदर अली डाइड ऑफ कैंसर, और इसको सीक्रेट रखा गया था जब तक टीपू सुल्तान पावर अज्यूम नहीं किए कि वो हैदर अली मर चुके हैं, टू अवॉइड एनी पैनिक बिटवीन पीपल, और होता है ना किसी दुश्मन को भी पता ना चले ताकि वो धावा ना बोल दे, तो इसीलिए इसको सीक्रेट रखा गया था. फिर 1783 में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन किया गया, जब ये लोग थक जाते हैं तो ये लोग ट्रीटी साइन कर लेते हैं. ठीक है, एंड ये सच है ना, ये मजाक नहीं है, ये सच है कि ये जब भी वॉर में देखना ट्रीटी तभी साइन होती है, दे व्हेन दे आर एग्जॉस्टेड ऑफ रिसोर्सेज एंड दे फील कि बहुत पैसे चले गए, तब उसके बाद ही ये लोग ट्रीटी साइन करने पे आ जाते हैं कि बस हो गया और नहीं लड़ाई हो रही. मतलब जब होता है ना एक तरफ कोई हार ही नहीं रहा, तब लास्ट में यही करते हैं ये लोग. और हार भी कोई गया फिर भी रुके ही नहीं जा रहा, चले ही जा रहा चले ही जा रहा, तो रोकना पड़ता है एक टाइम पे, बिकॉज कब तक लड़ोगे, है ना. तो वही लास्ट में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुई 1783 में. ओके ओके जी, फिर आई पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट दो आपकी चीजें हैं. एक तो ये है कि जो अफेयर्स थे उसको डिवाइड कर दिया गया कि पॉलिटिकल अफेयर्स कोई और देखेगा, कमर्शियल अफेयर्स कोई और देखेगा. तो पॉलिटिकल अफेयर्स देखने के लिए एक नई बॉडी बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल. ठीक है, इसमें 6 मेंबर्स को दिया गया, और इसको अपॉइंट कौन करेगा, क्राउन ऑफ द
ब्रिटिश. तो अभी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल अफेयर्स देखेंगे और इनका जैसा था वैसे ही रहने दिया गया, नो ऑल्टरेशन. ओके, गवर्नर जनरल काउंसिल को मेंबर्स को रिड्यूस किया गया फ्रॉम 4 to 3, इंक्लूडिंग द कमांडर इन चीफ. कि इस 3 में कमांडर इन चीफ भी होंगे, तो 4 to 3 कर दिया गया इसको. वैरन हेस्टिंग्स को बहुत गुस्सा आया था इस एक्ट की वजह से. उनको लगा कि उनकी काफी इंसल्ट हुई, डिसरिस्पेक्ट हुई, उनके पावर्स छीने जा रहे हैं, तो वो रिजाइन कर दिए और उन्होंने इंडिया छोड़ दी इन June 1785. ठीक है, आपने देखा होगा इस वीडियो का जो फर्स्ट स्लाइड होता है उसमें यही लिखा रहता है कि कब से कब तक वो थे यहाँ पे. ठीक है, ओके ओके. उसके बाद हुई इम्पीचमेंट ऑफ वैरन हेस्टिंग्स इन 1787 इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, एंड दिस वाज इनिशिएटेड बाय एडमंड बोके. बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब नाम, थोड़ी 2-3 बार देख लोगे यार तो याद हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और वो कैप्टन उपटन था यार, पता नहीं, UPTON आई थिंक सो. ठीक है, तुम्हें याद आ जाए ना तो लिख देना क्या वो कमेंट में, अच्छा होगा, सबको याद रहेगा. ओके, और हाँ, तो इम्पीचमेंट ऑफ वैरन हेस्टिंग्स इन 1787 वाज इनिशिएटेड बाय एडमंड बर्के एंड द विक्स फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस. क्योंकि उन्हें लगा था कि इन्होंने बड़े बहुत ज्यादा ही कुछ ज्यादा ही कुछ 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 कर दिए हैं काम. उसमें से एक तो रोहिल्ला वॉर, जिसके बारे में हमने सुना ही था, बेचारे वो हाफिज रहमत खान के ऊपर जाके चढ़ गए थे ये लोग. ठीक है, तो नवाब अवध के साथ, सुजाउद्दौला के साथ मिलके जो अटैक कर दिया था रोहिलखंड पे, उसके लिए एक तो इनको क्रिटिसाइज किया गया. दूसरा एक नंदा कुमार का केस था, जिनको इन लोगों ने हैंग टू डेथ कर दिया फॉर फोर्जरी. आई मीन इतने छोटे से चीज के लिए हैंग टू डेथ कर दिया गया. बोला जाता है कि उनकी अपनी कुछ दुश्मनी थी, तो उसी की वजह से होता ना, मौका ढूंढ के बस हैंग कर दिया गया. फिर एक राजा चैत सिंह ऑफ बनारस थे, उनपे हेवी पेनल्टी दिया गया सिर्फ ट्रिब्यूट में डिले के लिए, और बाद में उनको उनके पोस्ट से भी हटा दिया गया, डिपोज कर दिया गया. ठीक है, तो ये भी चीज को गलत माना गया था, काफी क्रिटिसाइज किया गया था. और बाकी एक था कि बेगम्स ऑफ आउध पे प्रेशर डाला गया था, उसके लिए भी इनको क्रिटिसाइज किया गया. ये क्या कर रहे थे कि जो वहां के नवाब ऑफ आउध थे उनको हेल्प करते थे इन बेगम्स पे प्रेशर डालने के लिए टू स्क्वीज मनी. तो दिस वॉज ऑल्सो क्रिटिसाइज बिकॉज यू आर नॉट दिस वॉज दिस दीज ऑल वेर टर्म्ड एज लाइक नॉन एथिकल. उन्हें लगा कि नहीं ये गलत है, वैसे एथिकल काम है तो कितने ही करते थे ये लोग, लेकिन फिर भी जो पार्लियामेंट को अपने हिसाब से लगता था नहीं नहीं ये नहीं, ये इंप्रेशन खराब कर रहा है, तो उस चीज के लिए ये लोग क्रिटिसाइज कर देते थे. तो उसी के लिए इनका इम्पीचमेंट इनिशिएट हुआ था, लेकिन अंतिम में ही वॉज एक्विटेड इन 1795, छोड़ दिया गया था कि नहीं नहीं ठीक है, कुछ भी इतनी भी गलती नहीं की थी तुमने. ठीक है, ऑब्वियसली उन्हें क्यों ही गलत लगेगा, तो इसीलिए छोड़ दिया गया था. और वो आराम से पेंशन पे कंपनी के जी रहे थे, आराम से जिंदा रहे 1818 तक. ठीक है, ओके. और लास्ट जो है एस्टिमेट ऑफ वैरन हेस्टिंग्स की, फाइनली अगर एक कंक्लूजन किया जाए कि चलो इंसान कैसा था, तो बोला जाता है कि वॉज गिफ्टेड, बहुत स्ट्रॉन्ग विल के थे, ग्रेट एनर्जी, रिसोर्सफुलनेस, मतलब बहुत भयानक टाइप के थे, काम करने वाले बंदे थे. वो तो दिखा हमें, देखो रिफॉर्म्स तो अच्छा अच्छा लाया था, बाद में अगर एक्सपेंशनिस्ट वाले नहीं किए होते, झगड़े कम किए होते तो अच्छा होता, बट चलो ठीक है अब तो कर लिया. और सेकेंड वर्स कि उन्होंने इंडियन लैंग्वेजेस और आर्ट्स को पेट्रोनाइज किया था, काफी काफी इनकरेज किया था कि नहीं इंडियन लैंग्वेज और आर्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए, ये नहीं कि इंग्लिश पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वैसे नहीं, इंडियन लैंग्वेज और आर्ट्स को पेट्रोनाइज करना चाहिए. फिर उन्होंने ओरिएंटल लैंग्वेजेस भी सीखे थे, लोकल लैंग्वेज बंगाली, फिर डिप्लोमेटिक लैंग्वेज पर्शियन, ये सब कुछ सीखा था. तो काफी एंथुजियास्टिक पर्सन थे. सो दिस इज इट, दिस चैप्टर एंड्स हियर, द फर्स्ट लेसन एंड्स, ये ओके. चलो फिर एंजॉय, फिर से एक बार वीडियोस देख लो, और उस कैप्टन का नाम जरूर लिख देना यार मेरा दिमाग अटका हुआ है तब से वहां पे. ठीक है, चलो फिर एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय.